सो हे गाइस सर, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और नई वीडियो में। अभी अपन लोग बात करने वाले हैं उस जगह की जहाँ से मैं 9th क्लास में ही होके आ चुका हूँ, लॉकअप। सर तो अभी अपन लोग बात करने वाले हैं ऑल्ट बाला जी के नए शो लॉकअप के। आप इस शो के बारे में तुम लोग बहुत कुछ जान चुके होंगे, इसे तुम बिग बॉस का सस्ता वर्जन भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ हरकतें पूरी बिग बॉस वाली ही होती हैं। बस इस शो के होस्ट दूसरों के करियरों का किस्सा बना देने वाले सलमान भाई नहीं बल्कि इंसान से लेकर इंटरनेट के साथ कॉन्ट्रोवर्सी कर देने वाली कंगना रनावत है। इस दुनिया में दो टाइप के लोग हैं, एक जो मुझे पसंद करते हैं और दूसरे वो बी ग्रेड स्ट्रगलर्स जो मेरी बुराई करके न्यूज में रहते हैं। ये देखो नसड़े किंग की बेवड़ी क्वीन हो ना हो, इसके इस शो के राइटर के साथ पक्का झगड़ा चल रहा होगा, नहीं तभी तो उसने इसे ऐसे डायलॉग बोलने को दिए। इसके हिसाब से दुनिया में दो ही टाइप के लोग हैं, 8 मिलियन वो जो इसे प्यार और सपोर्ट करते हैं, 2 मिलियन वो जो के हाथों में इसका पुतला और माचिस लेकर जी रहे हैं। वैसे कोई समझाओ कि दुनिया में ऐसे लोगों का भी अस्तित्व है जिसे कंगना के नाम पर दिलजीत दोसांझ और करण जौहर नहीं बल्कि सिर्फ कंगना ब्यूटी पार्लर पता है, और दूसरे वो बी ग्रेड स्ट्रगलर्स जो मेरी बुराई करके न्यूज में रहते हैं। हो ना हो ये बात कहने से पहले इसकी जीभ सूख गई होगी, नहीं कंट्रोवर्सी क्वीन इसका नाम और इसका नाम लेकिन न्यूज में दूसरे लोग रहते हैं। वाह, अरे मैडम ये स्क्रिप्ट में लिखा था वो चलता है लेकिन अपने बारे में तो सबको पता रहता ही है ना। लेकिन अब मेरी बारी है और मैं ला रही हूँ द बाप ऑफ बिगेस्ट रियलिटी शोज। हाँ रियलिटी शोज का बाप तो है ये शो क्योंकि यहाँ तुम्हें अपने अपने चॉइस के हिसाब से किए हुए कांड वाले लोग मिल जाएंगे और वो भी जनरेशन वाइज। इस शो को तुम अपने दादाजी के साथ बैठकर भी देख सकते हो क्योंकि यहाँ तुम्हें पूनम पांडे से लेकर स्वामी जी तक सब कुछ मिलेगा। अब भले यार इस शो को करके कंगना रनौत का अपने बालों को घुंघराले करने का खर्चा निकल जा रहा हो लेकिन फिर भी यार उनसे ज्यादा खुशी उन्हें लॉकअप में देकर करण जौहर को हो रही होगी। खैर तो अब बात कर लेते हैं कुछ उन लोगों की जो कि यहाँ तक अपने टैलेंट के नहीं बल्कि किए हुए हरकतों के वजह से पहुँचे और शो के खत्म होने होने तक जो कि तुम्हारे फेवरेट और इंस्पिरेशन भी बनने वाले बिग बॉस की तरह। अरे शर्म करो। सबसे पहले तुम्हारी कच्चा बादाम वाली वायरल लड़की अंजलि अरोड़ा। अब वैसे तुम ना चाहते हुए भी जानते जरूर होंगे अगर तुम बहरे और अंधे नहीं हुए तो। अब जरा सोचिए यार कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि लोगों ने तेरा चैनल सब्सक्राइब क्यों कर रखा है तो मेरा जवाब क्या होगा कि इन्हें मेरे लोगों को हरेस रोस्ट करना अच्छा लगता है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब इससे पूछा जाता है कि तुम्हें 1 करोड़ लोगों ने क्यों फॉलो कर रखा है तो इसका जवाब सुनो। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है लोगों को कि आप ऐसा क्या करती हैं जो लोग आपको इतना फॉलो करते हैं और इतने ज्यादा व्यूज आते हैं आपको। हम लोग मुझे प्यार करते हैं इसलिए वो मुझे फॉलो करते हैं। अच्छा लोग इससे प्यार करते हैं इसलिए वो इसे इंस्टा पर फॉलो भी करते हैं। लेकिन मेरे पिताजी के तो इंस्टा आईडी होने के बाद भी मुझे फॉलो नहीं करते हैं जबकि पाल अभी भी मुझे वही रहे और रोज शाम को ताने भी मुझे वही मारते कि पढ़ले साले तेरा फ्यूचर बन जाएगा। चल लोग मुझे प्यार करते हैं। वे तुम्हें पसंद करते हैं प्यार करते हैं लेकिन उसकी वजह क्या है वही चीज तो तुमसे पूछी गई है। हमारे मम्मी पापा एक दूसरे से प्यार करते होंगे क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने उनकी शादी करवा दी थी। अरे तू नहीं मतलब ये एक रीजन तो हुआ ना लेकिन इसके पास कोई रीजन ही नहीं है। छोड़ो। खैर दूसरी तुम्हें देखने को मिल जाएगी पूनम पांडे। अब इनके बारे में तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा वो तुम इनकी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेके खुद ही जान सकते हो। तो तीसरे तुम्हें देखने को मिल जाएगा करण बोहरा। अब अगर तुम लोगों की उम्र 16-17 साल है तो तुमने इसे अपने बचपन में शरारत शो में और उसके बाद कई और रियलिटी शोज में उंगली करते हुए जरूर देखा होगा। इस बंदे का पूरा करियर मेरे बड़े भाई की जिंदगी के 2 सालों की तरह है। जैसे मेरे भाई ने 2 सालों में हर भर्ती में अपना नाम दर्ज करवाया ठीक वैसे ही हर रियलिटी शो में ये भी उपस्थित रहा और जैसे किसी भी भर्ती में वो सिलेक्ट नहीं हो पाया वैसे ही हर रियलिटी शो से करणवीर बोहरा भी बाहर होता रहा और अब फिर से मेरा भाई भर्ती होने की तैयारी कर रहा और ये भी जीतने की उम्मीद लेकर एक नए रियलिटी शो में आ गया भाई। खराब इनके साथ ही तुम्हें एक और बंदा शो में देखने को मिल जाएगा मुनावर फारूकी जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी है। जब भी मुझे भारत सरकार की कमियां देखने की चुलमस्ती या फिर कौन से नेता ने आज कौन सा कांड किया ये सब जानने की चुलमस्ती है वैसे मैं इसकी लेटेस्ट स्टैंड अप कॉमेडी वाली वीडियो देख लेता हूँ। खराब इन्हीं की तरह तुम्हें और भी शो में कई लोग देखने को मिल जाएंगे जिन्हें के साथ मेरी तरह ही तुमने भी पहली बार ही देखा होगा। अंजलि आई कांट फिगर के आपके 1 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स क्यों हैं, मुझे जस्टिफाई करो कि व्हाई शुड आई फॉलो यू। वाह अब कंगना रनावत इसे फॉलो करेगी ये मुजरा देखने के लिए। अरे दीदी ये सब हरकतें वो रील्स पर नहीं बल्कि फिल्मों में करके छोड़ चुकी हैं। अरे तू कंगना रनावत के पास इसे फॉलो करने का सिर्फ एक रीजन हो सकता है कि ये नेपो किड्स नहीं है बस। इस बंदे को तो कोई सबसे पहले एंटी बिग बॉस गोली खिलाओ क्योंकि लगता है कि इसने बिग बॉस को कुछ ज्यादा ही देख लिया है। बंदे तो मैं इस समय सिर्फ इस लड़की पर लाइन मारते हुए दिख जाएगा क्योंकि साथ इसे भी लगता है बिग बॉस की तरह साथ हम भी यहाँ अगर प्यार के चोचले दिखाएंगे तो फुटेज हमें ज्यादा मिलेगी। अबे बेमतलब में चिल्ला के अपने गले की वर्जिनिटी ना तोड़ और चुपचाप शांति से बैठ जा। लग रहा कहीं हाथापाई के चक्कर में तुझे सोच से बाहर ही कर दिया।
खैर अभी शो में तुम्हें ऐसे बहुत सी बकैतियां देखने को मिल जाएंगी। मैंने अभी ये शो सिर्फ थोड़ा ही देखा, वो भी सिर्फ वीडियो बनाने के खातिर। चलो फिर इस वीडियो में फिलहाल इतना। अब अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, पार्ट टू चाहिए होगा तो यार कमेंट जरूर कर। वीडियो बनाने के लिए इनके और एपिसोड देख लेंगे और फिर पूरा लपेट के मजे लेंगे इनके। चलो यार फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।